हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे सनरेस्ट टैबलेट की। क्या इसके यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कौन कौन सी अवस्थाओं में ये अच्छा असरदार रिजल्ट दिखाती है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सनरेस्ट टैबलेट का है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सनरेस्ट टैबलेट में क्या कम्पोजिशन साल्ट होते हैं। तो ये एक कम्बिनेशन टैबलेट भी कहलाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर 3-4 टैबलेट का मिला हुआ साल्ट होता है। बात करते हैं अब इसके अंदर कौन कौन से साल्ट होते हैं। तो सबसे पहले होता है पैरासीटामोल, फेनारफ्रीन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लारफेनारमीन, हाइड्रोक्लोराइड, ये इसके अंदर 3 साल्ट मिले हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन साल्ट से या सनरेस्ट टैबलेट्स का इस्तेमाल कौन कौन सी अवस्थाओं में करते हैं। तो इसका इस्तेमाल सबसे बेस्ट जो होता है वो कफ कोल्ड यानी कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जैसे मौसम का चेंजिंग होता है, सर्दियों का आना या सर्दियों का जाना, उस समय पर जो बच्चों एवं बड़ों को जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मौसम की चेंजिंग, ठंड गर्म, सर्द का सिस्टम होता है, उस समय ये सनरेस्ट टैबलेट बहुत ही असरदार रिजल्ट दिखाती है। बात करते हैं कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो सनरेस्ट टैबलेट आप अपने चिकित्सक के परामर्श आवश्यक ही लें। सनरेस्ट टैबलेट के अंदर 500 mg पैरासीटामोल और फेनारमीन, हाइड्रोक्लोराइड या क्लोराफ्लारमीन भी होता है। तो इसीलिए आप कोई भी टैबलेट या कोई भी दवाई लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।